गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, अगेन वी आर विद द न्यू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो. दिस इज ऑफ लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ. फर्स्ट पार्ट वी हैव डन द रेफरेंस पॉइंट एंड द लैंडमार्क, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लैटिट्यूड्स, टोल्ड अबाउट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स. Now moving on to the heat zones. But what is this heat zones? Let's discuss and try to understand. Beta, some parts of the earth receives more heat while others don't. The other part of the variation in the angle of the rays. See, what does this means? That beta, ये देखो आपको जो धरती दिख रही है, धरती के जो ये parts हैं यहाँ पे, ये है north pole. नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि धरती थोड़ी हमारी 23.5 डिग्री एंगल पे टिल्ट है, जिसके कारण धरती को प्रॉपर पूरी तरह से एक जैसी सन रेज नहीं मिल पाती है. जैसे कि अगर सन यहाँ है तो ये स्ट्रेट डायरेक्ट लाइट पड़ती है और सिर्फ ऐसे ऐसे करते हुए रेज डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं. तो रेज के हिसाब से सन का हीट अप डाउन होता है. तो सन का अप डाउन हीट होने से धरती को प्रॉपर एक जैसी लाइट नहीं मिलने के कारण डिफरेंट डिफरेंट हीट मिलते हैं. तो इसीलिए डिफरेंट हीट जोन्स हैं. अब जैसे सबसे बड़ा हीट जोन हमारा आता है टॉरिड जोन, जो कि हॉटेस्ट पार्ट है. ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है. वहाँ पर सन एग्जैक्टली, देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली ओवर हेड होता है, और वो भी ट्वाइस ए ईयर. वैन द मिड डे सन इज ट्वाइस ए ईयर, और यहाँ पर मैक्सिमम हीट आता है. इसका मतलब ये होता है बेटा, यहाँ पर ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो आपका यहाँ पे, एक बार मैं और यहाँ पे क्लियरली दिखा रही हूँ आपको, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. दोनों के बीच में हमारा आता है ये हीट जोन, ये ग्रीन पोर्शन, जिसको हम टॉरिड जोन भी बोलते हैं. टॉरिड इसलिए कि ये हॉटेस्ट पार्ट ऑफ जोन है, जहाँ पे सन की जो लाइट है वो पूरी तरह से इक्वल डिस्टेंस पे पाई जाती है, इक्वली पूरे इतने में, और एकदम सन ओवरहेड होता है. डायरेक्ट सन लाइट मिलती है, जिसकी वजह से ये सबसे हॉट रहता है. पता है यहाँ बेटा, यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है इस एरिया में, इक्वेटर के पास बहुत गर्मी पड़ती है. यहाँ के क्लाइमेट को इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है, और यहाँ के लोग जो होते हैं बेटा, वो थोड़े से कलर कॉम्प्लेक्शन में भी डार्क होते हैं, जैसे अपने केरल तरफ के लोग होते हैं. क्योंकि यहाँ पे बहुत हीट होती है, बहुत तेज गर्मी होती है, चिपचिपी गर्मी होती है, शाम तक बारिश हो जाती है, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, जिसके कारण रोज़ शाम तक बारिश हो जाती है. यहाँ पे इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है, जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जिन पेड़ों में लगातार बहुत अच्छी हीट एंड सनलाइट और प्रॉपर पानी मिलने के कारण यहाँ पे एक एवरग्रीन फॉरेस्ट भी पाया जाता है. तो ये क्यों पाया जाता है एवरग्रीन? यहाँ के लोग थोड़े से डार्क कॉम्प्लेक्शन में क्यों होते? क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है. तो बेटा मैंने बताया, गर्मी के हिसाब से लोगों का कलर भी डिपेंड करता है. तो ये हीट जोन हो गया हमारा. तो ये हीट जोन था ट्रॉपिक टॉरिड जोन. देन आता है टेम्परेट जोन. बेटा टेम्परेट जोन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक है नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, देन दादावन इज सदर्न टेम्परेट जोन. अब इसको समझने के लिए मैं ये पढ़ के नहीं दिखा रही हूँ, सीधा आपको मैं यहाँ पे डायग्राम से समझा रही हूँ. ये देखिए हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक, ये जो पिंक पोर्शन है ये है नॉर्थ टेम्परेट जोन है. और सेम वे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्कल को हम बोलेंगे साउथ टेम्परेट जोन. यहाँ पे सनरेज जो होती हैं, जो सन, सपोज सन यहाँ, सन मैं एक बार और छोटा करके बता रही हूँ. सपोज सन यहाँ पे आता है, तो ये सन यहाँ पे डायरेक्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा जाता है, स्लैंटिंग होती है रेस, इसीलिए यहाँ पे टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है. टेम्परेट मतलब नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड, यहाँ पे टेम्परेट रीजन आ जाता है, यानी कि ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना. तो इसको हम बोलेंगे, देखिए यहाँ पे द सन रेज इन द बोथ दिस जोन आर नियर टू डायरेक्टली ओवरहेड, मतलब ओवरहेड से थोड़ा आगे चले जाता है सन रेज यहाँ पे. तो सन रेज डिक्रीजिंग ऑर्डर पे होते हैं. तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, इसलिए हम इसको मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलेंगे नॉर्थ टेम्परेट जोन को एंड साउथ टेम्परेट जोन को. देन आता है फ्रिजिड जोन. बेटा ये फ्रिजिड जोन क्या होता है?
फ्रिजी जोन होता है ये वाला पोर्शन, आपको मैं बता दूँ ये नॉर्थ पोल तक है ना, फ्रिजी जोन नॉर्थ एंड ये फ्रिजी जोन साउथ है ना, 66 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर नॉर्थ पोल तक, तो ये हमारा फ्रिजी जोन है। यहाँ तक सनरेज बिल्कुल स्लाइटली पहुँचती है, बहुत स्लैंटिंग सनरेज हो जाता है जिसके कारण यहाँ पे ठंडा रहता है। जैसे मैंने बताया था यहाँ पे सनरेज बहुत यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, यहाँ पे सनरेज मीडियम पड़ती है तो मीडियम टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है मॉडरेट, और यहाँ पे एकदम कम सनरेज पड़ती है तो यहाँ पे ठंडा बहुत कोल्डेस्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है। तो कोल्डेस्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ यहाँ पे रहता है सन रेज के कारण। यहाँ पे देखिए आइस एंड कोल्ड आराम से यहाँ पे जमी हुई मिलेगी इस एरिया में, बिकॉज सन रेज आर स्लैंटिंग एंड द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द जोन फ्रिजिड। एक और तरीका है ये लर्न करने का, फ्रिजिड मतलब फ्रिज के जैसे बर्फ जैसे जमा हुआ रीजन है, इसलिए फ्रिजिड जोन बोलते हैं। और टेम्परेट मतलब मॉडरेट टेम्परेट है ना, टॉरिड मतलब हॉट एकदम हॉटेस्ट जोन। तो अगर आपको क्वेश्चन कभी आता है एग्जाम में कि यहाँ पे हॉटेस्ट जोन कौन सा है, तो आपका आता है टॉरिड जोन है ना, और कोल्डेस्ट जोन आपका आता है फ्रिजिड जोन। सो ये हमारा उसी हिसाब से बेटा ये सेम मेथड में काम करता है जैसे हमारे मैंने बताया था इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे। तो 23.5 डिग्री कैंसर से हमारा 66.5 डिग्री में तक के बीच में आता है एक जोन, और मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी सेम नीचे आता है। तो जोन इसी हिसाब से डिवाइड करके वो इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स बनाए गए हैं है ना। अब आते हैं हमारे लॉन्गिट्यूड्स पे। ये लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये लॉन्ग होती हैं वो लेटी हुई थी, तो ये लॉन्ग लेटी हुई थी तो लैटिट्यूड, और ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक जो इस तरह से लाइंस होती हैं ऐसी, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ये लॉन्ग होती हैं इसलिए लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। अब इनकी विशेषता पढ़ते हैं। ये देखिए आपको डायग्राम दिख रहा है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर लेटी हुई सबसे बड़ी लाइन होती है, वैसे ही यहाँ पे 0 डिग्री की जो लाइन होती है उसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, वो सर्कल पूरी करती है, ये हाफ सर्कल्स होती हैं, ये देखिए हाफ सर्कल्स होती हैं, इसको इनको सेमी सर्कल बोलते हैं। वो पैरेलल होती हैं, ये पैरेलल नहीं होती, वो कहीं पे मीट नहीं करती, ये यहाँ पे पोल्स पे सारे जाकर एक जगह मीट करती हैं है ना। वो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे मीट करती हैं नहीं करती, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे मीट करती हैं। उसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर बनता है, तो इसका ईस्ट एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर बनता है। एंड ये आपको जो पैरेलल नहीं होती हैं, पर एक चीज़ है, ये सारी इक्वल हो, यहाँ पे कोई भी इक्वल नहीं होती, वो सर्कल इक्वेटर से बाकी पोल्स तक छोटी होती जा रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे रहती है, और यहाँ पे सारी लाइंस एक समान एक जैसी होती हैं। ये 90 अप एंड 90 डाउन करके 180 बनते हैं, तो ये टोटल 360 है, यहाँ से यहाँ तक 180 और यहाँ से यहाँ तक 180। तो इधर की जो लाइन्स है उसको पर डिग्री हम पर एंगल जैसे बोलेंगे, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड वैसे ही बोला जाता है, और ये 180। एक और चीज़ मैं बच्चों को हमेशा बोलती हूँ कि बेटा दो प्रकार की लाइन्स हैं, तो इनकी सेना कितनी है, इनकी सेना है 180, तो 180 लाइंस हो गई, और हमारी इनकी जो सेना है ये 360, तो ये ज़्यादा है, ये हमेशा लॉन्गिट्यूड जी जाती हैं, और ये इक्वल है, इक्वालिटी में एक साथ मिलकर लड़ती हैं, तो इक्वल होने के कारण वो जीतती हैं, और वो अकेले होने के कारण जीत भी नहीं पाती, तो इसीलिए इन उनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं, तो इनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी एक खास बात यह है कि द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर ड्रॉन एट एन ग्लोब ऑफ 1 डिग्री इंटरवल, जैसे वो भी 1 डिग्री पे इंटरवल पे थे, तो ये भी 1 डिग्री इंटरवल पे हैं, और इसमें से जो 0 डिग्री जो लाइन है, द लाइन पासिंग थ्रू द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच इज लंडन, ये एक लाइन की खास बात बताऊँ, ये 0 डिग्री जो लाइन है आपका, ये जो लाइन है प्राइम मेरिडियन, ये लंदन के बीचों बीच से गुजरती है। तो लंदन में हमारा जो
एक ऑब्जर्वेटरी बना हुआ है जिसको ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं एट ग्रीनविच, और यहाँ पे टाइम मेजरमेंट का सबसे बड़ा एक क्लॉक है जो पूरी दुनिया को टाइम बताता है ना। तो ये कैसे काम आती हैं, देखिए देर आर 180 डिग्री मैंने आपको बताया था और प्राइम मेरिडियन, और मैंने ये भी बताया था कि द वैल्यू इनका मेरिडियन का 1 डिग्री के इंटरवल पे रहती है 180 तक, ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड वेस्ट लॉन्गिट्यूड, इसलिए वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, ईस्ट की तरफ से जाएंगे तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्ट की तरफ से जाएंगे तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर। टोटल मैंने आपको बताया था 180 इधर 180 इधर, टोटल 360 मेरिडियंस होते हैं, और इनको भी ईस्ट एंड वेस्ट लिखना ज़रूरी होता है, और इनको भी वेस्ट हाउएवर 180 इज़ अ कॉमन लाइन, जो कॉमन लाइन है एंड फॉर्म एन इंटरनेशनल डेट लाइन जस्ट इज स्पेसिफिक पोर्शन। एक 180 की भी जो लाइन होती है वो कॉमन लाइन है जो इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, जो कि पैसिफिक ओशन में आपको दिखेगी। मैं उसको और जब नीचे ग्राफ पढ़ाऊंगी तब मैं आपको समझा दूंगी। अब यहाँ आता है ये ग्रिड सिस्टम। ये ग्रिड सिस्टम क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको ये हमारी अर्थ को अगर हम समझना हो तो अर्थ की ये देखिए ये हो गए हमारे लैटिट्यूड्स, ये लैटिट्यूड्स हैं इस तरह से, और ये लॉन्गिट्यूड्स, तो ये एक जाल बनता है, इस जाल को बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। ये ग्रिड, अब ये ग्रिड क्या काम आता है, तो किसी एरिया सपोज यहाँ पे हमारा एक कंट्री है तो कौन सी डिग्री लैटिट्यूड और कौन सी डिग्री लॉन्गिट्यूड पे कट होता है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट के हिसाब से हम एरिया डिफाइन करके बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि विद द हेल्प ऑफ दीज टू लाइन्स, मैंने एक क्रॉस बन गया आपका है ना, एक लॉन्गिट्यूड का और एक लैटिट्यूड का, तो ये आपका एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को लेकर हम बोलेंगे दस हेल्प्स द टू लाइन्स और द ग्रिड सिस्टम लोकेशन ऑफ अ प्लेस कैन बी डिटरमाइन। इस तरह से लोकेशन डिटरमाइन किया जा सकता है, ढूंढ पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नासिक जो है कि महाराष्ट्र में है ना, तो वो कौन सी डिग्री लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में है, वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है और 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है। तो एग्जैक्टली नासिक हम उसको प्रॉपर प्लेस बता दी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, या मैंने नेक्स्ट क्लास पिछली क्लास में बताया था कि मेरे को बालाजी के अंदर आपका घर ढूंढना है तो मेरे को पता होना चाहिए कि आप बालाजी के हाउस नंबर 10 के फर्स्ट फ्लोर में रहते हो। वैसे ही नासिक आपको बताएगा कि आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो आपका ये जो लाइन है, ये पोर्शन आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताते हुए आपको एक प्लेस बताता है। सो इस तरह से ये ग्रिड सिस्टम आपको काम आता है, और मैंने आपको बताया था इस ग्रिड सिस्टम से क्या होता है, हमको ये भी पता चलता है, क्या बोलते हैं, लोकेशन ऑफ अ प्लेस है ना। अब आता है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड से हमको फ़ायदा क्या होता है। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड से दो फायदे होते हैं, हमको प्लेस का पता चलता है और टाइम का पता चलता है। और ये देखिए इन पहले ज़माने में टाइम चेंजिंग सीजन डेज एंड लोगों से हिसाब लगा लेते थे, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि पीपल ऑब्जर्व द पाथ ऑफ द सन ऑफ द स्काई टू एस्टिमेट द टाइम है ना, लोगों को सन के हिसाब से उसके धूप छाँव से टाइम का पता कर लेते थे। द अर्थ एज वी नो फ्रॉम रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाहती हूँ बेटा हमको। मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात बता रही हूँ कि अर्थ का रोटेशन जो है, अर्थ जो सूरज के चक्कर लगाता है, तो वो आपको मैं बेस्ट तरीका बताऊँ कैसे चक्कर लगाता है, वो वेस्ट टू ईस्ट लगाता है, क्योंकि आपको मैं बता रही हूँ सनराइज होता है ईस्ट में है ना, सनराइज होता है ईस्ट में और सेट होता है वेस्ट में, तो सन वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है ना। सन का मूवमेंट क्या है, देखिए यहाँ पे सन रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो हम ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट क्यों बोलेंगे, क्योंकि सनराइज होता है ईस्ट में, तो स्टार्ट कहाँ से होता है, वेस्ट से है ना, तो सन वेस्ट टू ईस्ट में हुआ। तो वन रोटेशन कंप्लीट करने के, सूरज के पूरे तरफ चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स, एंड दिस 24 आवर्स को ही हम अगर माने तो ये एग्जैक्टली 360 लॉन्गिट्यूड्स को है। आपको देखिए हमारे पास 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं,
ठीक है, ये 360 लॉन्गिट्यूड्स को अगर हम डिवाइड करेंगे 24 से, तो हमको देखिए दिस ऑल्सो मीन्स दैट 360 लॉन्गिट्यूड्स फेस द मिड डे सन ऑफ द अर्थ आफ्टर अदर्स इन 24 आवर्स. तो 360 लॉन्गिट्यूड्स को सन फेस करता है एंड 15 डिग्री पासिस बिफोर द सन इज द पीरियड ऑफ 15 लॉन्गिट्यूड्स, मतलब एक लॉन्गिट्यूड को पास करने में 4 मिनट लगते हैं. मतलब मैं आपको समझा रही हूँ, ये हमारा अर्थ है, तो यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, तो ये जो लाइंस है ये ऐसे चलती हैं बेटा. तो आपको बताऊँ, सन जब रोटेट करता है, घूमता है, तो इस लाइन से इस लाइन तक आने में या इस लाइन से इस तरह से जो एक लाइन से दूसरी लॉन्गिट्यूड में जाने में 4 मिनट लगते हैं. तो 4 मिनट्स लगते हैं ना, तो ये 4 मिनट्स का 4 मिनट इंटू 4 मिनट्स के हिसाब से अगर आप 15 लॉन्गिट्यूड्स पास कर लेते हैं तो आपका 1 मिनट, आपका 1 घंटा बन जाता है, 60 मिनट्स बनता है. देखो 4 इंटू 15 लॉन्गिट्यूड्स पास किए तो आपका 60 मिनट बन गया. 16 मिनट मतलब 1 आवर, ठीक है, तो 1 घंटा बन गया. तो पूरे लॉन्गिट्यूड्स को पास करने में 24 आवर्स लगते हैं. समझ में आया? इस तरह से 24 आवर्स आपको लगते हैं. यानी कि आपको मैं एक और तरीका बता रही हूँ, 360 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि आपको 4 आपके 360 कैसे 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स हैं टोटल और 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स. 360 को हम डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 4 9 जा 36, तो 36 90 हो गए. आपको इस तरह से आपका पूरा एक 60 मिनट्स का एक 15 लैटिट्यूड से 4 मिनट 1 मिनट का, तो 60 मिनट यानी कि 1 घंटा होता है. तो 24 आवर्स लगते हैं पूरे 360 लॉन्गिट्यूड्स के, है ना. तो इस तरह से पूरा एक दिन बनता है. ऑल द प्लेसेस लोकेटेड एट द सेम मेरिडियन हैव द सेम लोकल टाइम. द ये एक मतलब ये है कि मैं आपको पिछली बार बताई थी ना कि जैसे एक लैटिट्यूड में यहाँ 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 सेम लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स में सेम, उसी तरह से आपका लॉन्गिट्यूड में भी जब हम यहाँ यहाँ हैं तो यहाँ पे जो टाइम होगा वही सेम टाइम यहाँ होगा, यहाँ जो टाइम होगा वो सेम टाइम यहाँ होगा, यहाँ जो टाइम होगा सेम टाइम यहाँ होगा. सेम मतलब ऊपर से लेके नीचे तक एक ही टाइम फॉलो होगा, है ना. तो इस तरह से ये जो एक ही टाइम पूरे एक लॉन्गिट्यूड पे काम करता है, यानी कि पूरे एक लॉन्गिट्यूड पे जो एक टाइम होता है उसको लोकल टाइम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो टाइम है वो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट का फ़र्क है. यहाँ से यहाँ तक आने में 4 मिनट लगता है अर्थ को, तो सूरज के चक्कर लगाते वक्त 4 मिनट लग जाता है, तो 4 मिनट का फ़र्क आता है. देखिए यहाँ पे सपोज कहीं पे 12 बज रहे हैं, तो इफ़ इट इज़ नून एट 12 बज रहे हैं, अगर ग्रीनविच लंदन में 12 बज रहे हैं, तो लोकल टाइम एट दैट प्लेस इज 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में 30 × 4, है ना, तो 120 मिनट्स हो जाएंगे, यानी कि 2 घंटा हम लॉन्गिट्यूड्स आगे चलते हैं. अच्छा एक और चीज़ आपको पता है, हम ग्रीनविच मीन टाइम से जो लंदन में जो टाइम होता है हम उससे 5.5 घंटा आगे चलते हैं. यानी कि इंडिया ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट, सो इंडिया बेस्ट है तो इंडिया आगे भी चलता है, और आगे चलता है वो भी कितना, 5.5 घंटा. सो इस तरह से टाइमिंग कैलकुलेशन करने में, लोकल टाइम कैलकुलेशन करने में भी हमको मदद मिलती है. तो ये हो गया हमारा टाइमिंग कैलकुलेशन में आपका, जो मैंने आपको बताया कि लॉन्गिट्यूड्स से भी टाइमिंग हेल्प करता है, और ये टाइम के हिसाब से हमको कैलकुलेशन करने में आता है. अब जैसे कि कब हम हमको कैलकुलेट करना है कि हमारा लोकल टाइम क्या है, तो हम जो भी लॉन्गिट्यूड हैं उस जैसे ग्रीनविच मीन टाइम में जो टाइम हो रहा है उसे हम 2 घंटा माइनस कर देंगे तो हमारा लोकल टाइम पता चल जाएगा हमको, है ना. देखिए सपोज़ कहीं पे आपका यहाँ पे 12 बज रहा है
ऑन द अदर हैंड द लोकल टाइम ऑफ दैट प्लेस इज 30 डिग्री वेस्ट में. अगर आप ईस्ट में हैं, अगर आप वेस्ट में जा रहे हैं तो आपको 2 घंटा माइनस करके आपको लिखना है. तो 30 डिग्री ईस्ट में अगर 12 बज रहे हैं तो 30 डिग्री वेस्ट में आपका 10 बजेगा. 2 घंटा आप माइनस कर देंगे. और क्यों 2 घंटा, मैंने बताया था एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में जाने में 4 मिनट लगता है, तो ईस्ट और वेस्ट में इसीलिए टाइम का डिफरेंस आता है. तो आज भी देखिए लंदन में अभी जो टाइम हो रहा है, इंडिया में जो टाइम हो रहा है, वो डिफरेंट टाइम्स हैं. अभी समझ में आया हर इंडिया के, दुनिया के हर कोने में अपना एक टाइम क्यों होता है ना. अब आता है स्टैंडर्ड टाइम. अब इंडिया में इतने सारे टाइम जोन्स हो जाएंगे. अब जैसे इंडिया ऐसा है ना, हमारा इंडिया इस तरह से है, तो इंडिया में भी इतने सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, पता है 29 लॉन्गिट्यूड्स के आसपास हैं. तो 29 लॉन्गिट्यूड्स में अलग अलग टाइम है. जैसे इंडिया का ये जो टाइम ऐसे है, अभी यहाँ पे जो लाइन है इसका टाइम सबका टाइम अलग अलग है. तो सबका टाइम अलग होने के कारण क्या होता है कि वो लोकल टाइम बन जाता है. तो लोकल टाइम में से कौन से टाइम को मानेंगे, फिर टाइम टेबल गलत रहेगा तो क्लासेस ये फ्लाइट कैसे पकड़ेंगे, ट्रेन्स कैसे पकड़ेंगे, तो एक कन्फ्यूजन हो जाएगा. उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इंडिया ने एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया है. देखिए द रेलवे टाइम टेबल विल बिकम द शेड्यूल ऑफ द फ्लाइट्स विल वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉर्म. लोगों को क्रॉस करने में दिक्कत होगी. क्या हर टाइम क्या अपने टाइम को एडजस्ट करते रहेंगे, वॉचेस को एडजस्ट करते रहेंगे. तो इस सब के प्रॉब्लम्स को बचने के लिए, जैसे कि मैं बता रही हूँ, अभी इधर आता है लास्ट कंट्री हमारा अरुणाचल प्रदेश, और इधर स्टेट हमारा अरुणाचल प्रदेश है, तो इधर हमारा है गुजरात. पता है सूरज को यहाँ से यहाँ आने में 2 घंटा लगता है, तो यहाँ 8 बज रही है तो यहाँ पे 10 बज रहेंगे. इसका मतलब तो फिर इस बीच में जितने लॉन्गिट्यूड है, गुजरात के लोग बोलेंगे भैया अभी तो हमारे यहाँ 10 बज रहे हैं, तो ये लोग बोलेंगे नहीं भैया हमारे यहाँ तो 8 बज रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी. फिर ट्रेन कैसे पकड़ेंगे, फ्लाइट्स कैसे पकड़ेंगे, तो कन्फ्यूजन में ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स छूट ना जाए, इसलिए सरकार ने, इंडिया गवर्नमेंट ने, सब ने अपने अपनी कंट्री ने एक अलग अलग टाइम टेबल सेट कर रखा है और उसको स्टैंडर्ड टाइम बना रखा है. तो हमारे इंडिया में भी एक स्टैंडर्ड टाइम है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ टाइम ऑफ मेरिडियन, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि 7.5 घंटे के दूरी के हिसाब से डिविजिबल है. तो इसीलिए हमने लिया है 82.5 डिग्री, ईजी फ्लेक्सिबल, ताकि सारे लैटिट्यूड्स को इक्वली डिवाइड करते हुए सी यहाँ पर द मोस्ट मेरिडियन इज सिलेक्टेड बाई 7.5, सो दैट द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड टाइम एंड द लोकल टाइम इज एक्सप्रेस्ड इन द हाफ एन आवर. एक्सप्रेस कर सकते हैं हाफ एन आवर के हिसाब से, ताकि हाफ एन आवर के हिसाब से एक्सप्रेस करने के लिए 7.5 डिविजिबल से, डिग्री से डिवाइड किए गए. द मेरिडियन सिलेक्टेड बाय द कंट्री इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियंस. जो हमने IST डिवाइड निकाला है वो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड अटाइम है. अब मैंने आपको उस वक्त बताया था इंटरनेशनल डेट लाइन, ये देखिए हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन. बेटा इधर डेट के देखिए इस साइड है ना, ये आपके आपको दिख रहा है, ये मंडे है, ज़्यादा जूम होने से फट रहा है. एक तरफ देखिए मंडे, एक तरफ संडे है, तो इसका मतलब इधर एक दिन पीछे चल रहे हैं और एक दिन इधर आगे चल रहे हैं. तो इस साइड से अगर हम जाएंगे तो हम संडे, और धरती के चारों तरफ चक्कर लगा के इस साइड आएंगे तो हम एक दिन आगे पहुंचेंगे, क्योंकि हमारे देखिए यहाँ पे ये जो लाइंस दिख रही हैं, इस लाइंस को क्रॉस करते करते हम जाएंगे तो हमारा टाइम एक दिन बढ़ जाएगा 24 आवर्स से, और एक दिन हम आगे चलेंगे. तो इस वजह से ये प्रॉब्लम है, इसलिए इसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं. पूरे अर्थ को, पूरे वर्ल्ड को ये 2 भागों में डिवाइड करता है. और ये है हमारा ग्रीनविच मीन टाइम, जो लंदन के बीचों बीच अर्थ पूरी दुनिया को हाफ हाफ डिवाइड करता है. इसको लिया गया है ग्रीनविच मीन टाइम, जिससे पूरी दुनिया हमारे कंट्रीज़ को समझने में, सबको टाइमिंग इस हिसाब से समझा जाता है. मैंने जस्ट अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि 30 डिग्री 29 to 30 डिग्री के आसपास है. 82.5 को हमने लिया है. और इसको समझने के लिए एक और चीज़ मैं बता दूँ, हमने ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे हैं, और इसी से हम अपने पूरे इंडिया का टाइम सेट किया जाता है. एक और चीज़, ये जब यहाँ पे मैप वर्क जब करते हैं तो बेटा यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए आता है, ये देखिए आपको ड्रॉ करना है इंडियन, ये सब तो आप ड्रॉ कर लोगे, लेकिन आपको ड्रॉ करना है एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. मैं बोलती हूँ मैप में ड्रॉ करें, तो एक अच्छी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे दिस इज़ इंडिया,
सॉरी ये ठीक से बना नहीं, फिर से बता रही हूँ, ये है इंडिया और इंडिया का ऐसे थोड़ा सा रफली फिगर मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ, लगभग कुछ ऐसा सा होता है गुजरात को होते हुए, है ना, और इस तरह से रफ फिगर में बता रही हूँ, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे बेटा श्रीलंका है, श्रीलंका से सीधे ऐसे आप खींचेंगे तो 82.5 डिग्री आपको टच करते हुए, ओके, यहाँ से टच करते हुए अगर आप खींचेंगे तो 82.5 डिग्री आपको मिलेगा, और वो 82.5 डिग्री हमारे अर्थ हमने लिया है जो कि इलाहाबाद में है, और माना जाता है कि मिर्ज़ापुर, नियर मिर्ज़ापुर, और इट पास करता है जो हमारी इंडिया के लगभग आधा आधा डिवाइड करता है, इसलिए हमने इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया है। इस स्टैंडर्ड टाइम से हम पूरे इंडिया में फॉलो करते हैं ताकि हमको कोई कन्फ्यूजन ना हो, और इसी मकसद के साथ ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉलो होता है। थैंक यू, टेक केयर।